आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम अपनी मौत से बस कुछ ही कदम दूर शिवाय सिंह ओबरो। ठीक तो है ना शिवा? ये सब हुआ कैसे? ओ माय माता, क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? हाँ, ओ भैया।
बिल्लू। तू ठीक तो है पुत्र? दादी आपका बिल्लू बिल्कुल ठीक है। दादी जो एक बार हो वो हादसा, लेकिन जो दो बार हो वो साजिश। पता लगाना पड़ेगा ये सब कौन कर रहा है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि हर बार ये खतरा शिवाय पर ही क्यों मंडरा रहा है। ओ माय माता, मुझे पता है किसकी बुरी नजर लगी है शिवाय को। जब से मेरे बेटे की मंगनी तय हुई है ना, ये जेठानी जी कुछ ज्यादा ही जल रही है, अगरबत्ती की तरह सुलग रही है। इन्हीं की काली नजर का रिजल्ट है ये सब। Are you out of your mind, Pinky? हाँ। मुझे शिवाय मेरे बेटों जितना ही प्यारा है, so shut up, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मॉम, आप लोग सब ओवर रिएक्ट कर रहे हो, okay? Just calm down, मुझे कुछ नहीं हुआ है, okay? इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। आप मुझे बिना कोर्ट में पेश के हिरासत में नहीं रख सकते। आप ये मत सोचिएगा कि मैं डर के बैठ जाऊंगी। मैं अपने राइट्स बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा है मैडम, अगर हमने आपको कानून के कहने पे अंदर किया होता ना, तो कानून के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमने आपको शिवाय सिंह ओबेरॉय के कहने पे अंदर किया है, तो उनके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। वैसे भी वो कानून से बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो फिर जो आपको करना है आप कीजिए, और जो मुझे करना होगा ना वो मैं करूं। सब किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स के होते हुए अगर घर के मेंबर्स पे अटैक होता रहा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ जोक इज अलाउड। आज के बाद घर का कोई भी मेंबर सिक्योरिटी फोर्स के बिना बाहर नहीं जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? मुझे लगता है शिवाय की एंगेजमेंट पोस्टपोन कर देनी चाहिए। हाँ, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर ब्रॉय। आप तो जानते ही है ना, ये सगाई एक बहुत बड़ा इवेंट है। आई मीन सारी तैयारियां हो चुकी है, काफी गेस्ट आउट ऑफ टाउन से आ चुके हैं। 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 2 स्टेट हेड्स, बिजनेस वर्ल्ड के द बिगेस्ट पीपल, फिल्म स्टार्स, यहां तक कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, वो भी आ गए हैं। और अब आप अचानक से ये बोल रहे हैं कि हमें एंगेजमेंट पोस्टपोन कर लेनी चाहिए। मिसेस कपूर, तो आपके कहने का मतलब है कि सोशल प्रेशर की वजह से हम ये हादसा भूल जाएं? ये एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, मेरे बेटे शिवाय की जान जा सकती थी। पर गई तो नहीं, एंगेजमेंट इज प्लान्ड ही होगी। सर, हमने आपके कहने पे उस लड़की अनिका को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन बिना एफआईआर दर्ज किए हम उसे 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। मैं आ रहा हूँ। ये ना अंकल, आपने मेरी अनिका दीदी को कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा, मैं तो अभी आया। सुनिए ना अंकल, आपने मेरी अनिका दीदी को कहीं देखा है क्या? क्या हुआ बेटा? अनिका दीदी कहीं खो गई है। अनिका दीदी खो गई है? लेकिन आपकी दीदी को तो हमने अभी जोगेश्वरी में देखा था। सच? अरे शपथ, हम कभी झूठ बोलते ही नहीं। आपको मिलना है दीदी से तो हमारे साथ चलो। अभी हंसो 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 हंसो। राकेश तू चल, मैं इसको अनिका के पास लेकर जाता हूँ। चलो बेटा। ने तो कहा था मेरी दीदी जोगेश्वरी में, और जोगेश्वरी का रास्ता पीछे से है। आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं?
मैं साहिल ठीक हूँ। से निकलना है तो माफी मांगो और चले जाओ। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगू? योगेश, सड़ो इस जी। अगर मेरे भाई को आपके वजह से कुछ हो गया ना तो मैं भूलूंगी नहीं उसको। और अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी यहां से नहीं निकल पाओगे। बात याद रखना मिस अनिका। क्या हाल है बादशाह? तेरे लिए खुशखबरी है, एक बच्चा लाया हूं। हाँ, आज शाम को लेकर निकल जाएंगे। रखता हूं। शिवाय भाई। शिवाय भी नहीं है। भाई कहां गए होंगे? पता नहीं, समझता नहीं है ना वो, हर जगह बिना सिक्योरिटी के नहीं जा सकता। भाई ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मैंने एंजल से प्रे किया था कि भाई की सगाई रुक जाए और अब देखो क्या हो गया। तुझे सच में लगता है ये सब तेरी वजह से हुआ है? मेबी। इडियट, तू इडियट है पर दुनिया का बेस्ट इडियट है। ओए इधर देख, तू इतनी सी भी गिल्ट मत रखना, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, समझा? ओए स्माइल, कम ऑन। इनफैक्ट मुझे शिवाय की टेंशन हो रही है। शिवाय कहाँ है? पुलिस स्टेशन आया था, बस निकल रहा हूं यहां से। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये लड़की यही रहे। जी दादी। दादी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भैया जो कर रहे हैं ना वो तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। अनिका अभी तक जेल में है। तू फिकर ना कर पुत्र, तेरी दादी है ना, फिकर ना कर। ओ काका मेरा फोन दे जरा। लड़की को कल रात गिरफ्तार किया है, उसे फौरन छोड़ दो। लेकिन सर शिवाय सिंह ओबराय का ऑर्डर है कि मेरे पास शिवाय सिंह ओबराय की दादी के ऑर्डर। वैसे भी रात में उस लड़की को अरेस्ट करके तुमने बहुत गलत किया। शिवाय सिंह ओबराय की दादी ने कंप्लेंट वापस ले ली। लिहाजा आपको रिहा किया जाता है। ये आपका मोबाइल और ये चाबी
उन लोगों ने आपके लिए भिजवाई। पता नहीं बुआ जी ने अब तक कितने रहते फैला दिए होंगे। लड़की रुको, ये लो तुम्हारा सामान। ये मेरा नहीं।